इस क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ऑर्डर का 99.9% और टी हाफ के बीच में रिलेशन मांगा है, ध्यान देना। जो टी हाफ होता है तो के टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग 2 होता है, ठीक है। और अगर हम टी 99.9% का बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, के टी 99.9% में हम पुट करेंगे 2.303 और लॉग जो पुट करे ऊपर होगा आर नोट और नीचे होगा 0.001 आर नोट, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2.303 लॉग 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दोनों का आप रेशियो ले लो, तो रेशियो ले लो तो क्या हो जाएगा आपका टी हाफ, इसको उल्टा कर लो तो क्या होगा, टी 99.9% डिवाइडेड बाई टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग 1000 बाई लॉग 2, ठीक है। अभी लॉग 1000 होता है आपका 3 और लॉग 2 हो जाएगा 0.3 नियर अबाउट, तो ये रेशियो हो जाएगा नियर अबाउट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि टी 99.9% जो होता है वो 10 टी हाफ के आसपास होता है, तो यहाँ पे आप 10 बोल दोगे आप। तो बच्चों चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपके सामने एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, तो जब भी आपके पास लिखा रहेगा टी 0.9 यानी टी 90%, टी 90%, तो इसका टी हाफ से रिलेशन होता है 10/3 टी हाफ। अगर टी 99% होता है यानी इसको लिख सकते हो टी 0.99, ये होता है 20/3 होता है टी हाफ का। टी 99.9% जो होता है यानी टी 0.999 जो होता है ये होता है 30/3 टी हाफ होता है, यानी 10 टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली टी अगर 99.99% का हम बात करते हैं यानी टी 0.9999 का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 40/3। तो ध्यान देना आप इसमें कॉमन रिलेशन बहुत सिंपल सोच सकते हो, कोई पॉइंट के बाद जितना 9 होगा उतना ही यहाँ पे 10 आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो ऊपर में, और उसके डिवीजन में 3 हमेशा सब में कॉमन है। तो आपके सामने एक शॉर्टकट में दे दिया हूँ, इससे क्या होगा कभी कभी आपका चीज़ें बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगे, तो रिकमेंड करता हूँ कि शॉर्टकट आप याद कर लो। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।